नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। लगातार हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक, विधायक हूं या फिर कार्यकर्ता हूं, एक बात की शिकायत उनकी तरफ से लगातार की जाती रही है कि अधिकारी सुनते नहीं है। और इसको लेकर जमीनी सतह से लेकर ऊपर के नेता तक, आलाकमान तक इस बात की जानकारी पहुंचा दी गई है, लेकिन यह एक ऐसा दर्द है जो छुपता नहीं, मिटता नहीं। पानीपत विधायक से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जहां विधायक रोहिता रेवड़ी ने कष्ट निवारण समिति में इंसाफ की गुहार लगाई है। दो मामलों में विधायक को इंसाफ के लिए कष्ट निवारण समिति की चौखट पर दस्तक देना पड़ा है। पूरा मामला देखिए और इसके बाद सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, हर किसी से जवाब तलब करेंगे इस पूरे मसले पर। आने वाली 29 तारीख यानी शुक्रवार को पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक होने जा रही है। अब आप कहेंगे कि नया क्या है, हर महीने होती है और हर जिले में होती है, तो हम आपको बताते हैं साहब, इस बैठक में नया क्या होने वाला है। जी हाँ, इस बैठक में पानीपत शहर से विधायक रोहिता रेवड़ी की भी दो शिकायतें सुनी जानी है। जी हाँ, सही सुना आपने, रोहिता रेवड़ी शहर में सरकारी जमीन पर कब्जों से परेशान है और इसको लेकर वे अधिकारियों से कई बार शिकायतें कर चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई ना होती देख रेवड़ी ने मंत्री अनिल विज को शिकायत दी, जिसे विज साहब ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में डाल दिया। ठीक है, अंदर पानीपत शहर की एक शिकायत थी जो कॉलोनी के कुछ लोगों ने कंप्लेंट दी थी निगम के अधिकारियों को और यहाँ के मौजूदा जो उस वक्त के जो डीसी महोदय थे उनको दी थी, परंतु उनकी किसी कंप्लेंट को जो दरकिनारा किया गया, तो उन लोगों ने अपनी शिकायत विधायक जी को की और उसके बाद अनिल विज जी से वैसे कोई चर्चा हो रही थी, तो रोहिता जी ने अनिल विज जी से चर्चा करके एक रिटर्न में उनको पत्र दे दिया और अनिल विज जी ने उस पत्र को जो है ग्रीवेंसेस के अंदर लगा दिया, कि बहुत अच्छी बात है। और अब इसके अंदर उन अधिकारियों की शामत आने वाली है जो अधिकारी मिले हुए थे, जिन अधिकारियों ने जमीन पे कब्जा करवाया है या जिन अधिकारियों के पास ये इंक्वायरी चल रही थी, चाहे वो बड़े स्तर से लेके और निचले स्तर तक जो भी व्यक्ति होंगे। लो जी, साफ तो बहुत कुछ हो रहा है कि विधायक को जनता की तकलीफों का अंदाजा है, लेकिन ये भी साफ हो रहा है कि अधिकारी विधायक की अभी तक नहीं सुनते। अब ये बात दूसरे विधायक कैसे माने, वे तो अधिकारियों की नहीं विधायक की तारीफ कर रहे हैं। हमारी पानीपत शहरी की विधायिका बहन रोहिता रेवड़ी ने, मेरी नॉलेज में आज मैंने सवेरे पेपर में भी पढ़ा है कि उन्होंने एक बात उठाई है दो मामलों की, और दोनों मामले कब्जे के मामले हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ कि हमारी विधायिका जन समस्याओं के प्रति कितनी जागरूक है और उन्होंने इस बात को कोई गुरेज नहीं करा। कहीं गलत काम भी हो रहा है, चाहे वो हमारी सरकार के भी अंग है, सरकार वही चला रहे हैं, सरकार के अंदर है, उसके बावजूद भी अपनी कमी को भी उन्होंने समाज के सामने उजागर रखा है। तो क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है जी, मैं तो शायद इसको बहुत अच्छी बात मानता हूँ, लोगों के मन में एक बात जाए, भाई ये आम जनता की सरकार है ना, कि कोई विधायक और उसकी सरकार है, ये जो भी मतलब जब विधायक भी अपनी शिकायत ऐसे ही करें तो आम जनता की भी वहीं सुनाई है कष्ट निवारण समिति में और विधायक की भी वहीं सुनाई है, तो ये अच्छी बात है। खैर, मामला कष्ट निवारण समिति में जा रहा है तो ये तो तय है कि जनता का कष्ट दूर होगा, लेकिन अधिकारियों के नहीं सुनने वाला कष्ट कब दूर होगा, शायद इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। जनता टीवी के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। जी, पूरी रिपोर्ट देख ली आपने, पूरा मामला समझ लिया आपने, लेकिन आप भी ये सोच लोगे इसमें नया क्या है। पहले साल से लेकर के अब चौथे साल में दस्तक देने जा रही है हरियाणा की बीजेपी सरकार, और हर बार यही बात होता है कि अधिकारी सुनते नहीं। फिलहाल तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौथे जो सबसे खास मेहमान हैं आज की इस चर्चा के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेट हैं, जल्दी जुड़ जाएंगे उम्मीद करते हैं। बाकी तीनों खास मेहमान से तारुफ करा देते हैं आपका। वंदना पोपली जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है मैम आपका। प्रदीप डवास जी हमारे साथ जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं, सर स्वागत है आपका। और अजय गुलिया जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत मैं प्रदीप डवास जी आपसे करना चाहूँगा कि
इस सरकार के बनने के बाद से लेकर के अब तक हर महीने कमोबेश हम लोग देखते हैं इस तरह की खबरें आ ही जाती हैं, जहां पर विधायक हों या फिर कार्यकर्ता हों या फिर मंत्री हों, वो ये कहते नजर आते हैं कि अधिकारी उनके सुनते नहीं हैं। देखिए साकेत, अगर इस पूरे मामले को जो पानीपत शहर में दो जगह पे कब्जे की बात कही जा रही है, अगर वो कब्जा है या नहीं है ये तो खैर जाँच के बाद पता चलेगा, क्योंकि जो जिसके ऊपर कब्जे का आरोप लग रहा है उसका कहना है कि वो ज़मीन उसकी है, लेकिन शिकायत क्योंकि विधायक के पास आई थी और लोगों ने बताया विधायक को कि जो है कई बार अधिकारियों को बोला जा चुका है, शिकायतें की जा चुकी है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई या जांच नहीं की गई है। निश्चित तौर पे ये संज्ञान लेने का मामला था और इसको दोनों तरीके से देखने की कोशिश करें। जिस तरीके से विधायक ने पहले अधिकारियों से बात की और उसके बाद जब नहीं बात बनते हुए दिखी तो उन्होंने जो है वो अनिल विज से बात की, अनिल विज जो है कष्ट निवारण समिति का अध्यक्ष हैं इसमें पानीपत में, तो उन्होंने इसको उसमें बैठक में 29 तारीख वाले में एजेंडे के तौर पर डाल दिया। तो दोनों तरीके से देखने की ज़रूरत है कि एक ये है कि बीजेपी विधायक के सामने एक बात आई है और उन्होंने जब कार्रवाई नहीं होते देखा, तो ये नहीं है कि विधायक होने के बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो वो पीछे हट गई हो और उन्होंने मतलब इस तरह का कुछ ये एक कहते हैं कि कहीं नाक नीची ना हो जाए तो इस मामले को वहीं रोक दे या इस तरह का नहीं किया उन्होंने आगे तक ले गए। तो ये एक मैं कहूँगा कि एक सराहनीय बात है, किंतु एक निश्चित तौर पे एक समस्या ये भी है कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सरकार क्या करे, विधायक क्या करे। आपने देखा महिपाल ढांडा की भी आपने अभी बात सुनी और रविंद्र जो विधायक है उनकी भी बात सुनी, दोनों का कहना था कि विधायक बेहतर काम कर रही है, ये होना चाहिए। लेकिन जो रविंद्र माथुरी ने एक बात कही कि जिस तरह से आम आदमी शिकायत करता है, ये सरकार की खूबी है कि विधायक भी उसी तरीके से अपनी शिकायत लेके पहुँच रहे। मैं इसमें ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इससे लोगों में भरोसा जो बनता है वो कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि अगर विधायक को भी अपनी बात रखने के लिए ग्रीवेंसेस कमेटी का सहारा लेना पड़ रहा है, अपनी कोई मामले की जांच करवाने के लिए, मैं अगर ये कब्जे का मामला है तो निश्चित तौर पे जिला स्तर पे ही इसका निवारण हो जाना चाहिए था, विधायक स्तर पे ही निवारण हो जाना चाहिए था। क्यों ये बात आगे तक पहुंची, इसकी नौबत क्यों आई जब विधायक के पास एक बात आ गई है और अधिकारियों को पता है कि इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए, तो वो क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए विधायक को, ये बड़ा सवाल है। और ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिसको लेके बीजेपी आने वाले वक्त में जवाब देती रहेगी। बिल्कुल, एक एक रिएक्शन, पहला रिएक्शन मैं लेता हूँ यहाँ पर। गुले साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले को देखने के बाद? देखिए साकेत भाई, प्रथम दृष्टा जो दिखाई दे रहा है, जो आपने रिपोर्ट दिखाई है कि जमीन पर कब्जा हुआ है, जो प्रथम दृष्टा कह रहा हूँ मैं, जैसा कि ऐसा आभास हो रहा है कब्जा हुआ है, इनकी सरकार के दौरान कब्जा हुआ है, तो इसका मतलब आप इसको अपराध की श्रेणी में लाएंगे, अपराध तो हो ही रहा है और विधायक की भी नहीं सुनी जा रही है। मुझे तो ये मामला लगता है कि रेवड़ियां बटी लेकिन विधायिका जी को रेवड़ी नहीं मिली, इस बात की उनके मन में टीस है और वो शिकायत लेकर के पहुंची हैं। अब जमीन पर कब्जा हुआ, हरियाणा प्रदेश के लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई की जो ये जमीन थी, जितनी भी इसकी कीमत थी, इसको तो लुटवा ही दिया। अब सरकार भाजपा की है, जवाब सरकार को देना है कि इनके दौरान जीरो टॉलरेंस की ये लोग बात करते हैं और जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, विधायक की भी नहीं सुनी जा रही। आज 4 साल हो गए इनकी सरकार को, इनकी सरकार जाने वाली है, आज भी ये कहते हैं कि विधायकों का और नेताओं का, विधायकों का और अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? आज विधायकों का, मंत्रियों का और अधिकारियों का जो कोऑर्डिनेशन नहीं है उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों को। आज तक भी 4 साल में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए, कब बनाएंगे कोऑर्डिनेशन? इनको शायद पता नहीं कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और इनकी सरकार तो जाने वाली है, और लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? एंड में कौन जिसको नुकसान हो रहा है? वो हरियाणा प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक है, मैं बिना कोई सवाल लिए एक पहला रिएक्शन वंदना पोपली जी आपसे भी चाहता हूं, फिर बाकी की बातें होंगी। देखिए बहुत ही हास्यास्पद कि जो एक विधायक जो है जी, गली में कब्जा हुआ है,
मेरा ये मानना है कि वो विधायिका जो कि खुद कष्ट निवारण समिति की सदस्य हैं और वही कंप्लेंट लेकर आ रही हैं, जिनका काम है कि कष्ट निवारण समिति में बैठकर के बातों को सुना जाए, उसका सोल्यूशन निकाला जाए, वो सोल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे, बल्कि खुद ही कंप्लेंट, मतलब एक तरीके से ये बात हो गई कि पुलिस कह रही है कि हमें गुंडों से बचाओ, या एक तरीका है, एक नूरा कुश्ती करने की कोशिश की जा रही है कि काम करो या ना करो, लेकिन काम करने का जिक्र करो, जिक्र करो ना करो फिक्र करो, ये कुछ एक फिक्र करने का या जिक्र करने का तरीका है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं से वो शो कर रहे हैं कि हम कहीं से सिंसियर हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात और भी आती है कि जो हमारे को समझ आ रही है कि जो अधिकारी हैं वो नेता की बात नहीं सुन रहे, एक नया एक जो यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट है कि जो अधिकारी हैं वो नेता की बात नहीं सुन रहे हैं, ये एक पूरी सी चेन सी बन गई है, जो अधिकारी हैं वो नेता की बात नहीं सुन रहे, अधिकारी कहते हैं सीएम हमारी बात नहीं सुन रहे, प्रधानमंत्री कहते हैं मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे, मुख्य जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जनता हमारी बात नहीं सुन रही, और जनता कह रही है कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुन रही। ये सिर्फ 6 महीने की कहानी है, ये वापस विपक्ष में जाने वाले हैं, इनकी आदत सिर्फ शिकायत करने की है और ये बैठ कर सिर्फ शिकायत करते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, जब आप कष्ट निवारण समिति के खुद सदस्य हैं और वहां पर आप कंप्लेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक कब्जा हो गया और वो कब्जा हटवाना है, कौन हटवाएगा वो कब्जा, कब्जा वो आपको ही हटवाना है, कोई और नहीं आ रहा हटवाने के लिए, और आप शिकायत भी किसको कर रहे हैं, खुद को। मतलब बड़ी हास्य बच्ची सिचुएशन बन गई है, सिर्फ ये दिखावे के लिए किया जा रहा है, ऐसा कहीं से भी गंभीरता नहीं। नजर से आप देख रहे हैं, अगर दूसरे पहलू से अगर हम देखें वंदना कुकली जी, तो सही है ना, सही तरीका अपना है, जो कष्ट निवारण एक तरीका बनाया गया सरकार की तरफ से, अगर अगर विधायक जो है तकलीफ तो वो जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधा का सीधा सवाल जो है वो सत्ता पक्ष से ही है, तो संजय शर्मा जी का बेसब्री से इंतजार भी था। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद संजय शर्मा जी से ही पहला सवाल होगा।